लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही देश के अगले पीएम को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से तो साफ है कि नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम होंगे, लेकिन विपक्ष में इसको लेकर कई आवाजें और चेहरे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नतीजों के पक्ष में आने पर विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। नंबर एक, राहुल गांधी। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल भी कई मौकों पर पीएम बनने की अपनी ख्वाहिश जता चुके हैं। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने ही इशारों में उनके नाम पर नाक बहुत सिकोड़ने लगे, जिसके बाद कांग्रेस को अपने रुख में संशोधन करना पड़ा। ऐसे में पीएम बनने का राहुल का सपना तभी पूरा होगा जब कांग्रेस या तो अपने दम पर बहुमत लाए या फिर कम से कम 200 सीटें जीते। नंबर दो, शरद पवार। शरद पवार की गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके पास राजनीति का भरपूर अनुभव है। वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्हें राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर माना जाता है। उनका नाम सामने आने पर अकाली दल, बीजेडी और शिवसेना का साथ भी मिल सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि 75 साल के पवार की छोटी पार्टी है। चुनाव में वो कितनी सीटें जीतते हैं इस पर भी उनकी दावेदारी निर्भर करेगी। इसके अलावा क्या कांग्रेस पवार के नाम पर सहमत होगी? नंबर तीन, ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी पीएम पद की रेस में हैं। इसके लिए वो बंगाल की सभी 42 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या उन्हें सारे दल स्वीकार करेंगे और दिल्ली की राजनीति का उन्हें उतना अनुभव नहीं है। जो उनके मिजाज है उसमें गठबंधन को चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। नंबर चार, एचडी देवेगौड़ा। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा को विपक्ष का बढ़िया पीएम उम्मीदवार बताया था। इससे पहले भी वो साल 1996 में कांग्रेस के समर्थन से पीएम बन चुके हैं। हालांकि उनके नाम पर भी सहमति बनेगी इसकी संभावना ना के बराबर है। और नंबर पाँच, मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पीएम पद की रेस में सबसे आगे बताई जा रही हैं। उन्हें पीएम बनाने के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी जोर लगा रहे हैं। दलित चेहरा होने के चलते वो सभी को स्वीकार होंगी। वो चार बार सबसे बड़े सियासी प्रदेश यूपी की सीएम रह चुकी हैं। उनके पास अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है, अफसरों से काम करवाना जानती हैं। लेकिन इसके लिए एसपी बीएसपी गठबंधन को अच्छी खासी सीटें जीतनी होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।